हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सीखा। आज इस वीडियो में हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं संयोजन अभिक्रियाओं के विषय में। क्या इसके नाम संयोजन से ही इसके बारे में कुछ पता चलता है? जी हाँ, इसका नाम ही ये दर्शाता है कि हम किसी पदार्थ का संयोजन अर्थात मिलन कर रहे हैं। तो संयोजन अभिक्रियाओं को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद निर्मित करते हैं, उन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए संयोजन अभिक्रियाओं को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए, बीकर को स्पर्श कीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करता है और साथ ही आप देखेंगे कि बीकर का तापमान बढ़ गया है, अर्थात इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ध्यान दीजिए, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल H2O मिलकर एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनाते हैं। अभिक्रिया में अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। साथ ही इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है। आइए संयोजन अभिक्रियाओं के कुछ और उदाहरणों का अध्ययन करें। पहला उदाहरण है कोयले का दहन। इस अभिक्रिया में कोयला ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या ये भी संयोजन अभिक्रिया है? कैसे? कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व मिलकर एक उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, इसलिए ये भी संयोजन अभिक्रिया है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं, जल का निर्माण। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि यहाँ दो पदार्थ अर्थात H2 और O2 मिलकर एक उत्पाद H2O का निर्माण कर रहा है। अतः ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया के पहले उदाहरण में हमने देखा कि हमारा मिश्रण अभिक्रिया के पश्चात गर्म हो गया। हमने ये भी सीखा कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आइए इसके और उदाहरणों का अध्ययन करें। प्राकृतिक गैस का दहन। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O बनता है और इसके साथ ही उत्पन्न होती है ऊर्जा। क्या आप जानते हैं श्वसन रेस्पिरेशन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? जी हाँ दोस्तों,
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। एक और रोचक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना। ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं कि सभी संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी हों। आइए संयोजन अभिक्रिया का एक ऐसा उदाहरण देखें जहां ऊष्मा निर्माण नहीं हो रहा है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम रिबन को रेगमॉल से रगड़कर बर्नर के माध्यम से जलाने पर चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और ये श्वेत चूर्ण या राख में परिवर्तित हो जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। ये एक संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर एक उत्पाद अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। आज इस वीडियो में हमने संयोजन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे।